सुप्रभात दोस्तों, और आज मैं हूँ फिलहाल कर्नाटका की राजधानी और खूबसूरत बेंगलोर शहर में। तो आज बेंगलोर से हमारी एक शॉर्ट यात्रा शुरू होने वाली है। तो आज हम फिलहाल है बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन में, जिसका नाम है KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। और कितना सही वेदर हो रहा है, देख सकते हो आप, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और ये है बेंगलोर का एंट्रेंस, और यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा का भी आपको स्टॉल मिलने वाला है। और बाद में थोड़े से इंटीरियर्स देख लेते हैं स्टेशन के, कितने सुंदर है। यहाँ पे वारली पेंटिंग भी की गई है, यहाँ की संस्कृति दर्शाई गई है, जो कि आप कितने सुंदर तरीके से देख सकते हो। आज की हमारी यात्रा होने वाली है बेंगलोर से लेकर मैसूर तक 12007 चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस वे। और आज ये देखो हमारी ट्रेन आ रही है अभी प्लेटफॉर्म पे, और कितने सुंदर तरीके से एंट्री ली है हमारी ट्रेन ने। और आज हम जर्नी करने वाले हैं इस ट्रेन के अनुभूति क्लास में। जी हाँ, आज हम अनुभूति की अनुभूति दिखाने वाला हूँ मैं आपको, कैसी होने वाली है। और ये आपको नेस्कैफे का स्टॉल भी मिलने वाला है बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, और हमारा कोच है K1, यानी कि एग्जीक्यूटिव अनुभूति। अगर आप बुक करते हो तो, अगर आप अनुभूति बुक करते हो तो आपको कोच K1 आएगा। अगर आप फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर ट्रैवल करते हो तो लास्ट में आएगा, और फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर करते हो तो फर्स्ट में आएगा। और ये वाइट कोच। तो हमारा ये है अनुभूति कोच K1, फर्स्ट AC चेयर कार। तो इसमें हमारे आज यात्रा होने वाली है, और फर्स्ट टाइम अनुभूति में आज हम जर्नी करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है भाई। एंटर करते हैं कि हमारे कोच में, मेरा सीट नंबर है 40, 4040, मतलब K1 कोच। तो जैसे ही कोच में मैं एंटर करता हूँ, लगभग पूरा कोच खाली हो जाता है मेरा। लगभग मतलब 4-5 लोग ही रहते हैं मेरे कोच में। और अभी हमें लंच भी सर्व किया जाएगा, तो आपको लंच दिखाता हूँ मैं, लंच में क्या दिया है हमें। वैसे सीट मेरे को पुराने क्यों लग रहे पता नहीं, सीट पे कवर भी नहीं है, बहुत ओल्ड टाइप लग रहा है मेरे को। नंबर यस, दिस इज 40, ये हमारी सीट आज की। सो फाइनली अब हम निकल चुके हैं KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से। हमारा डिपार्चर हो चुका है, एकदम ऑन टाइम है। एक मिनट का भी डिले नहीं, लिटरली। सो चेन पुलिंग हो चुकी है हमारी। एक मिनट भैया, कोई तो चेन पुलिंग कर दिया, अभी सामान रह गया था किसका। तो अभी तो बैंगलोर के निकलने के बाद चेन पुल हुई, एक बार देखो फिर से चेन पुल हो गया लगता है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, हर टाइम जब भी कोई तो ट्रेन निकलती है आता है चेन पुल हो जाती है। लास्ट टाइम कर्नाटक का संपर्क क्रांति में भी हुई थी। अनुभूति क्लास के आपको कुछ फीचर्स बता दूं मैं। तो आपको मिलता है TV, जो कि पूरा बंद है अभी, देखो ऑन नहीं होता वो TV, नहीं होता ऑन। उसके बाद यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है, बाद में यहाँ पे आप अपना सामान न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हो। बाद में लेग स्पेस देखो, कितना ज़्यादा लेग स्पेस मिलता है आपको। नॉर्मल चेयर कार में इधर तक होता है, इधर तक वगैरह होता है बस, पर अनुभूति एग्जीक्यूटिव में इधर, अनुभूति में प्रॉपर बहुत दूर तक मिलता है। और बाद में कुशनिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे एक्चुअली कुशन होता है, बट ये अभी गायब है। और उसके बाद मेन जो सीट की कुशनिंग होती है, ये बहुत ही मतलब ऐसे सॉफ्ट होती है। और बाद में आपको यहाँ पे ट्रे मिलता है, देखो जैसे आपको विस्टाडोम में मिलता है ना, वैसे जैसे कि आपको इधर ऑनबोर्ड खाना है तो आप जस्ट ऐसे करो, ऐसे फैला के आप ट्रे पे खाना रख के खा सकते हो आराम से। और हमारी पहली सर्विस, छोटी सी पानी की बोतल। ये मेरे को समझ में नहीं आया यार, शताब्दी ट्रेन में इतनी छोटी बोतल क्यों करते हैं लोग। और इधर से थोड़ा सा मैं मोबाइल नहीं निकाल, थोड़ी रिस्की एरिया थोड़ा सा ये वाला। देखो आराम से आप वैसे टेबल निकाल के, और जो नॉर्मल चेयर कार होता है उसमें आपको जैसे जैसे साइड में करके फिर वो टेबल आता है। ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि वो चेयर वाली, वो टेबल वाली जगह बचती है, और टेबल की जगह मैंने यहाँ पे TV लगाया, जो कि पूरा बंद है यहाँ पे।
डांसर के बाद हमें मैंगो ड्रिंक सर्व किया गया है, वेलकम ड्रिंक बोल सकते हो आप इसे। तो अभी ड्रिंक के बाद अभी टाइम हो चुका है लंच का, तो एग्जीक्यूटिव क्लास का लंच आपको देखा था हमें क्या क्या सर्व किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिरयानी सर्व की गई है, इस टाइम रोटी सब्जी वगैरह कुछ नहीं है, तो बिरयानी निकाल के देखा था कैसी है। और 250 ग्राम्स शताब्दी एक्सप्रेस मैसूर शताब्दी, IRCTC सेल किचन से खाना चढ़ता है क्योंकि इसमें पैंट्री करनी होती है। सही है, ठीक है, चलिए ले, कैरेट है बाद में, क्या बोलते हैं, तेज पत्ता वगैरह सब है। बाद में ये है दही, इसमें एक गुलाब जामुन भी दिया है, और इसमें है रायता जो कि मेरे को बहुत पसंद है, रायता भी निकल के देखते कैसे है। थोड़ी सी बिरयानी लेता हूँ टेस्ट करके देखते कैसी है। टेस्ट तो बढ़िया है, अच्छी टेस्ट है, फ्रेश बनाई है, सही है। मतलब लास्ट टाइम हम जिस ट्रेन से आए थे मैसूर से, वो रामनगर में लगभग 1 घंटा रुकी थी रामनगर स्टेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रामनगर स्टेशन के बाद खूबसूरत से नज़ारों से होकर हमारी शताब्दी एक्सप्रेस दौड़ रही है अपने डेस्टिनेशन के लिए, और बेंगलुरु के बाद सीधा इसका मैसूर में ही लास्ट हॉल्ट होता है। और मैं प्रेफर करूँगा एंड टू एंड अगर आप अनुभूति करते हो तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होगा। मैंने तो बस 2-3 घंटे के लिए एक बार ट्राई किया आपको दिखाने के लिए कि अनुभूति में सर्विसेज कैसी होती है। तो इसके बाद एक्चुअली मैं मैसूर स्टेशन का अराइवल नहीं ले पाया क्योंकि ये क्लिप शूट करने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैवल करने की वजह से ना बहुत थकान आ गई थी। अब इसके बाद सीधा मैसूर हम पहुंचे थे और आगे का आप देखो। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं एकदम बिफोर, 3 मिनट बिफोर आ चुके हैं अभी हम मैसूर, और मैसूर में हमारा सफ़र ख़त्म होता है, एकदम शॉर्ट सफ़र ख़त्म होता है क्योंकि एंड टू एंड जर्नी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा यहाँ से चेन्नई का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था किसी वजह से, क्योंकि पूरी ट्रेन सब फुल जा रही है। तो ब्लॉग को करता हूँ मैं यही पहन, अगर आपको एक शॉर्ट सा ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को और पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाना, ऐसे ही मैं ऐसे नए नए ब्लॉग्स डालता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी अपना सभी ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स डालता रहूँगा।